हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर नाइन्थ ऑफ जनवरी 2022 9 जनवरी 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी मेंस के पेपर चल रहे हैं तो आप सबने वो पेपर्स देखे होंगे डिस्कशन भी हमने किया और मैंने जब आपको बताया डिस्कशन में तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर फ्रॉम द न्यूज एनालिसिस डायरेक्टली ज्यादातर चीजें न्यूज एनालिसिस से ही डायरेक्टली आई हैं इसीलिए करंट अफेयर्स का महत्व तो बहुत ज्यादा है ठीक है ना करंट अफेयर्स

थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ़ॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज बॉर्डर कजाकिस्तान इनमें से कौन सा ग्रुप जो है कंट्रीज का वो कजाकिस्तान को बॉर्डर करता है ऑप्शन आर चाइना रशिया अफगानिस्तान अफगानिस्तान उतान किर्गिस्तान रशिया तजिकस्तान तुर्कमेनिस्तान या उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान किर्गिस्तान तो दीज आर द्री फोर ऑप्शन फॉर फो यू आपको बताना इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ कंट्रीज बॉर्डर करता है टू द टू योर कजाकिस्तान कजाकिस्तान न्यूज में भी क्यों है क्योंकि ऑब्वियसली बातें वहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे मैंने आपको

ऑफ कंट्रीज है जो कि बॉर्डर करता है कजाकिस्तान को तो लेट मी सी दिस फर्स्ट तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी डी वाला उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान दी आर कंट्रीज दैट बॉर्डर इट है ना और भी कंट्रीज बॉर्डर करती होंगी लेकिन दीज आर द ग्रुप एज पर दी ऑप्शन ठीक है ना आगे मूव करते हैं Uh, पहला जो आज का न्यूज एनालिसिस में पहली न्यूज है वो है इंडिया इज अमंग द सिक्स इंडो पैसिफिक नेशंस विच इज पार्टिसिपेटिंग इन एन एक्सरसाइज सी ड्रैगन इन द पैसिफिक ओशन तो पैसिफिक ओशन में एक एक्सरसाइज होने वाली है एक्सरसाइज सी ड्रैगन इसको लिख लीजिए इंडियन सॉरी इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेट करेगी इन द एक्सरसाइज सी ड्रैगन एक और ये सी ड्रैगन एक्सरसाइज होगी कहां पर पैसेफिक ओशन में होगी ठीक है ना पैसेफिक ओशन में होगी सी ड्रैगन एक्सरसाइज और इंडिया इज वन ऑफ द

फिर इधर साइड इंडिया इंडिया के साथ जापान और साउथ कोरिया भी है एशियन में और आपका कनाडा ये ऑस्ट्रेलिया सॉरी ठीक है ना तो ये छह कंट्रीज याद रखेगा इंडिया यूएसए ऑस्ट्रेलिया कनाडा, जापान साउथ कोरिया तो अगर आप देखें तो देखो ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूएसए और जापान तो क्वाड के भी मेम्बर है ना तो क्वाड क्वाड प्लस कनाडा, साउथ कोरिया आप बोल सकते हैं क्वाड प्लस कनाडा, साउथ कोरिया तो याद करने में आपको आसानी होगी क्वाड प्लस कनाडा, साउथ कोरिया ठीक है ना ये बेसिकली सी ड्रैगन एक्सरसाइज है जिसको आप याद रख सकते हैं दिस इज अ थिंग विच यू कैन रिमेंबर आगे मूव करते हैं देखते हो और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है तो यहाँ पे पोल्स जो है इलेक्शन जो है उनके तारीख जो है वो निर्धारित कर दी गई है इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम है सुशील चंद्रा जी सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं फिर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ वो बैठे हुए हैं इन्होंने डेट्स डिसाइड कर दी है पांच स्टेट्स में इलेक्शन होने वाला है जिसमें उत्तर प्रदेश पंजाब उत्तराखंड मणिपुर और गोवा है कौन कौन से पांच स्टेट्स हैं पंजाब उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मणिपुर गोवा और दीदा स्टेट जहां पे फरवरी से लेकर मार्च के बीच में इलेक्शन होंगे फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता आचार संहिता है छुट्टी छुट्टी नहीं मिल पाती है तो बेसिकलीट थिंग और इसको आप याद रख सकते हैं जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल डिक्लेयर होता है उसी दिन से ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है ठीक है अगर ये पूछे कि क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो नहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है नहीं है है ना एक तरीके से इलेक्शन इलेक्शन कमीशन का कन्वेंशन है जो कि वो फॉलो करता है आर्टिकल तीन सौ चौबीस के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन मेंशन है ठीक है इंडिया टू एक्सपोर्ट मैंगो टू यूएस आफ्टर हियाटस तो टेस्ट यहाँ पे लगभग दो ढाई सालों के बाद अब इंडिया जो है दोबारा से आम जो है वो यूएसओ को भेजना शुरू करेगा उस समय कुछ यूएसए ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे जिसमें फाइटो सैनिटरी रिस्ट्रिक्शन थे अब मैं आपको पहले भी

क्वांटिटी को लिमिट कर दिया अब एक लिमिटेशन होती है सैनिटरी एंड फाइटोसेनेटरी जो आपकी क्वालिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस में आते हैं वो एक होता है सैनिटरी सैनिटरी और दूसरा आपका फाइटोसेनिटरी फाइटोसेनिटरी अब जो आ, या आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है वो सैनिटरी में आएगा ह्यूमन से रिलेटेड और जो आपका पेड़ पौधे इन सब से रिलेटेड है वो फ़ाइटोसेनिटरी में आएगा तो यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे जो, जो पेड़ पौधा है ये ये आम है ये सब किस में आ गया फाइटोसेनिटरी तो ये फ़ाइटोसेनिटरी मेजर्स के अंतर्गत इस पर रोक लगाई गई थी ठीक है ना तो दैट इज़ अनदर थिंग विच इज इम्पॉर्टेंट्स को आप याद रख सकते हैं और जो जैसी चीज़ें जो ह्यूमंस को डिसीज पहुंचा सकती हैं या ह्यूमंस को इम्पैक्ट कर सकती है वो सैनिटरी में आ जाएगा ठीक है ना और यहाँ पे फाइटोसनेटरी में आम इस तरह के पेड़ पौधे जो भी ऐसी खाने वाली चीज़ें है, है ना ईटेबल ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल आगे मूव करते हैं दिखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं यू कैन मूव विद मी संडे का दिन है अच्छा आप लोग भी इन्जॉय करिए रजाई के अंदर घुस ही कोई ज़रूरी नहीं है कोई को निकलने की कोई जरूरत नहीं है है ना तो यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ यहाँ पे भी नहीं है यहाँ पे भी नहीं इंपॉर्टेंट इंडिया टॉप श्रीलंका टूरिज्म लिस्ट तो श्रीलंका ने कल अपने टूरिज्म की वो लिस्ट निकाली थी सूची निकाली थी कि सबसे अधिक टूरिज्म कहाँ से आया तो so कोविड के बाद जो सबसे अधिक यानी कि लगभग ट्वेंटी सिक्स परसेंट का जो टूरिज्म आया वो इंडिया से आया दैट इज फ्रॉम इंडिया ओनली सो ये श्रीलंका और इंडिया के लिए भी अच्छी बात है क्योंकि वहाँ पर टेरिज्म सॉरी नॉट टेरिज्म टूरिज्म इज इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एंड स्पेशली फ्रॉम इंडियन टूरिज्म तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल आगे मूव करते हैं देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है घड़ियाल टू रिटर्न टू उरांग नेशनल पार्क अब यहाँ पे घड़ियाल्स के ऊपर ये न्यूज है कि घड़ियाल्स को री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इन द उरांग नेशनल पार्क उरांग नेशनल पार्क कहाँ पर है ये आपका असम में सबसे है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी असम में है मैं भी असम के आपको बाकी के नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बताऊंगा लेकिन याद रखें कि घड़ियाल एक्चुअली वहाँ पे एक्सटिंक्ट है दे आर एक्सटिंक्ट इन असम वाला रीजन ब्रह्मपुत्र रिवर में उन्नीस सौ पचास के टाइम पे ही ये वाइप्ड आउट हो गए उसके बाद ये देखने को नहीं मिले वहाँ पे ठीक है तो उसको याद रखेगा अभी रिसेंटली ये नोटिफिकेशन आया था कि जो उरा उंग नेशनल पार्क है उसका एरिया बढ़ाया जाएगा द एरिया ऑफ द उरांग नेशनल पार्क विल बी इंक्रीज बाय 200 स्क्वायर uh, uh, किलोमीटर तो 200 स्क्वायर किलोमीटर के से लगभग इस एरिया बढ़ाया जाएगा और uh, ये बेसिकली यहाँ पे रिंट्रोड्यूस किया जाएगा किसको घड़ियाल्स को रिंट्रोड्यूस किया जाएगा ठीक है ना दैट इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड Uh, ब्रह्मपुत्र रिवर में पहले तो पाए जाते थे लेकिन 1950 के बाद से घड़ियाल्स वहाँ पे वाइप आउट हो गए तो दैट इज़ अ एफर्ट टू री इंट्रोड्यूस है ना वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो गैवियालिस गैंगेटिकस है याद रखिएगा जो इसका इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है गैवियालिस गैंगेटिकस दिस इज द नेम ऑफ द घड़ियाल घड़ियाल का जो नाम है गैवियालिस गैंगेटिकस Gav ठीक है तो ये आप याद रख सकते हैं दैट्स अनदर थिंग यू कैन रिमेंबर थोड़ा सा मैं घड़ियाल्स के बारे में और डिटेल आपको दे देता हूँ घड़ियाल्स आर ऑल्सो कॉल्ड गेवियल्स गेवियल्स भी कहा जाता है दे आर एशियन क्रोकोडाइल्स विच आर डिस्टिंग बाय द लॉन्ग थिन स्नाउट्स विच रिजेंबल अ पॉट घड़ा तो यहाँ पे एक, एक इंपॉर्टेंट है इनका स्नाउट देखो ये आप देख सकते हैं ना कितना लंबा ये ये देखो यहाँ पे देखो कितना लंबा इनका एक स्नाउट है जो प्रेजेंस है वो क्या है वो इंडिकेट करता है क्लीन रिवर वाटर तो ये आप याद रख सकते हैं देयर प्रेजेंस इंडिकेट्स अ क्लीन रिवर वाटर एंड दे ऑल्सो इंक्लूडो घड़ियाल्स क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल फैमिली गई है तो क्रोकोडाइल्स में और भी अलग अलग होते हैं जिसमें कि आपका घड़ियाल तो हो गया गैवियालिस गैंगेटिकस जो कि आयु में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है घड़ियाल क्रिटिकली इंडेंजर्ड है इसके अलावा जो मगर क्रोकोडाइल है वो वनरेबल होता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न है लेकिन घड़ियाल अकेला जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो ये आप याद रख सकते हैं आसाम के दूसरे जो आ, पार्कस हैं उनके नाम बता दो तो काजीरंगा भी आसाम में है मानस आपका आसाम में है नमेरी आसाम में है डिब्रू शाइबा आसाम में है राइमोना आसाम में है और देहिंग पटकई ये आपको नाम याद रखने हैं काजीरंगा हो गया मानस हो गया नामेरी हो गया दिब्रू शाइबा हो गया राइमोना हो गया और देहिंग पटकई हो गया तो दीज आर द नेम्स ऑफ द नेशनल पार्क जो कि वहाँ पर और लोकेटेड है आसाम में तो इनके नाम जरूर याद रखिएगा ये कभी भी पूछा जा सकता है आपको है ना तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं एन सी बी एस ने अब बेसिकली बताया है जेवरा फिश को स्टडी किया है और बताया कि ब्रेन किस तरीके से कनेक्शंस बनाता है ठीक है ना तो यहाँ पे सबसे पहले एन सी बी एस के बारे बता दू। NCBS के Sciences, में बता दूँ एन सी बी एस का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज जो कि बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है क्या है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज कहाँ लोकेटेड है बैंगलोर कर्नाटका में इट्स अ रिसर्च सेंटर स्पेशलाइजिंग इन बायोलॉजिकल रिसर्च ये रिसर्च सेंटर है जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च में इंक्लूडेड है ये पार्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च विच इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ओनली एंड द मैंडेट ऑफ एनसीबीएस इज बेसिक एंड इंटर रिसर्च इन द फ्रंटियर एरियाज ऑफ बायोलॉजी तो बायोलॉजी तो के फील्ड में बेसिकली इंटरमीडिएट इंटर डिसिप्लिनरी और बेसिक रिसर्च का काम एनसीबीएस का है ये आप कुछ फैक्ट्स याद रख सकते है। हैं बैंगलोर में लोकेटेड है ये भी याद रखेगा अब देखो न्यूरॉन या जो नर्व सेल होता है वो ब्रेन में इट कनेक्ट्स बाय मींस ऑफ जंक्शंस नोन एज सिनेप्सिस याद रखेगा जो न्यूरॉन्स होती है वो कनेक्ट होते हैं बाय मींस ऑफ अ जंक्शन एक जंक्शन के थ्रू जो जिसको हम बोलते हैं सिनेप्स ठीक है ना याद रखेगा न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं वो ब्रेन में वो कनेक्ट कैसे होते हैं थ्रू बाई यू मीन्स ऑफ जंक्शंस उन जंक्शंस को हम क्या बोलते हैं सिनेप्स ठीक है ना और फिर इन्हीं जंक्शन के थ्रू सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होता है सिग्नल फिर इसी इन्हीं जंक्शन के थ्रू ट्रांसमिट होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूर में ट्रांसमिट होता है ठीक है ना अब नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने क्या किया है कि उसने बताया कि, कि किस तरीके से सी ये सीनेप्सिस फॉर्म होते हैं तो उसने दो सीनेप्सिस बताए दे टू सीनेप्स ऑफ विचर फॉर्म पहला है केमिकल सिनेप्स और दूसरा इलेक्ट्रिकल सीनेप्स याद रखेगा पहला है केमिकल सिनेप्स और दूसरा है क्या इलेक्ट्रिकल सीनेप्स तो उन्होंने बताया कि जो केमिकल सिनेप्स होता है केमिकल सिनेप्स में वहां थोड़ा सा लगभग 20 नैनोमीटर का स्पेस रहता है बिटवीन द टू न्यूरॉन्स मतलब जब दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड ना हो यानी कि जब दो न्यूरॉन्स में लगभग न्यूरो का डिफरेंस आए डिस्टेंस आए तब वो एक दूसरे से किस तरह कम्युनिकेट करती है बाय मींस ऑफ केमिकल सिनेप्स सिनेप्स तब केमिकल बनता है तो कैसे केमिकल सिनेप्स बनता है कि एक सिनेप्स जो होता है वो एक न्यूरॉन जो होता है इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू केमिकल सिग्नल्स एंड दिस केमिकल इज रिलीज इन टू द सिनेप्टिक स्पेस फिर ये केमिकल रिलीज होता है सिनेप्टिक स्पेस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ये केमिकल जो है वो रिलीज होता है किसमें सिनेप्टिक स्पेस में और फिर जो रिसीविंग न्यूरोन है मतलब जो दूसरी न्यूरोन है वो अगेन इस केमिकल को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल में तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन होता है मतलब कि क्या हो गया कि एक जगह इलेक्ट्रिकल टू केमिकल हुआ और फिर ये केमिकल रिसीव किया दूसरी न्यूरॉन ने और इसको केमिकल टू इलेक्ट्रिकल किया तो फिर आगे जाके इलेक्ट्रिकल टू केमिकल होगा और फिर आगे जाके केमिकल टू इलेक्ट्रिकल होगा ठीक है ना तो कुल मिलाकर के इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो मूवमेंट होता है बेसिकली वो किस तरीके से होता है आई टोल्ड यू दैट है ना तो ये होगा आपका केमिकल सिनेप्स अब दूसरा जो है वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बात कर ले जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो केमिकल सिनेप्स बन रहा था वो कब बन रहा था जब दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड नहीं थे और दो न्यूरॉन्स के बीच में लगभग बीस नैनोमीटर का डिफरेंस था अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है ये कब बनेगा जब दो न्यूरो कनेक्टेड है जब कनेक्टेड रहेंगे ना तो वायर के जैसे ट्रांजेक्शन होगा मतलब इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही वो पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन होगा तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बोलते हैं जैसे वायर नहीं कनेक्टेड रहता है उस तरीके से ये पूरा मूवमेंट होता है तो ऑब्विय बात है जैसा इसलिए के यहां पे केमिकल्स में कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ती इट्स लाइक इलेक्ट्रिकल ना? ऑनली आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा मेथडोलॉजी है रीजन से किस तरीके से सिग्नल इंपल्सिस चलते हैं और किस तरीके से कनेक्शन बनते हैं द देवास आर्बिट्रेशन तो ये आपको पता है देवास ने एक्चुअली uh, एक्चुअली एक डील की थी अंतरिक्ष के साथ अंतरिक्ष क्या है इसरो की कमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष क्या है इसरो की कमर्शियल आर्म है 2005 में इसके और देवास के ग्रुप के बीच में एक डील हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एस बैंड का हम आपको वो, वो प्रोवाइड करवाएंगे है ना देर वॉज अ डील बिटवीन देवास देवास मल्टीमीडिया और अंतरिक्ष अंतरिक्ष इज द इजरो कमर्शियल आर्म ठीक है ना तो दो में उन्होंने कहा था कि हम आपको एस बैंड सेटेलाइट

कनेडा वैनेडा में जो इनके प्रॉपर्टी यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एयर इंडिया की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज करने का पावर इनको दे दिया गया है तो तब इंडिया इसके अपोज में बोल जरूर रहा है पर देवास रूप का यह कहना है कि भैया आपने पैसा हमको दिया नहीं आर्बिट्रेशन हमने पहले भी जीता था बट आप बट आपने कभी पैसा रिटर्न ही नहीं किया तो हम क्या करें है ना तो दैट इज अ थिंग विच इज गोइंग ऑन और ये आपको पता होना चाहिए कैन ऑनलाइन बुलिंग ऑफ वुमेन बी पनिश्ड यस डेफिनेटली ऑनलाइन बुलिंग बुलिंग ऑफ वुमेन इज पनिश्ड द पुलिस हैव इन्वोक्ड सेक्शन 153 ए 153 बी 295 नाइनटी फाइव ए टू थ्री डी फाइव हंड्रेड फाइव एंड सिक्सटी ऑफ द आई टी एक्ट ये आर्टिकल में अलग अलग सेक्शंस लिखे हैं एक्चुअली सेक्शन वन ए जो होता है वो अलग अलग ग्रुप्स के बीच में रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में टेंशन क्रिएट करने का होता है आई के अंतर्गत होता है जो सेक्शन आपका टू नाइन्टी फाइव ए है इट प्रोवाइड्स पनिशमेंट्स फॉर डेलिबरेट एंड मिलीशियस एक्ट इंटेंडेड टू फ्रू आउट रेच द रिलीजियस फीलिंग्स ये टू नाइन्टी फाइव ए भी जो है वो रिलीजन से ही रिलेटेड है वन फिफ्टी थ्री ए और वन फिफ्टी थ्री बी जो है वो दोनों ही आपके इसी तरीके से हैं जो एनमिटी प्रोवाइड करें एनमिटी बढ़ाएं दो ग्रुप्स के बीच में दो रिलीजियस ग्रुप्स स्पेशली उनके बीच में सेक्शन थ्री फिफ्टी फोर डी जो होता है वो इट इज प्रोवाइड्स दैट एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज बाई अ वुमेन टू द इंटरनेट ई मेल और एनी अदर फॉर्म तो थ्री फिफ्टी फोर डी जो है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कम्युनिकेट विद मेलिटेंट कमिट्स द ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग स्टॉकिंग के लिए होता है तो ये ऑबियस सी बात है

विक्शन मे लीड टू इंप्रिजनमेंट अप टू 5 इयर्स एंड फाइन दैट मे एक्सटेंड टू 10 लाख रुपीस ठीक है ना फिर सेक्शन 66 ई ऑफ द आईटी एक्ट प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी सेक्शन 354 ए दैट इज सेक्सुअल हैरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट एंड सेक्शन 354 सी यानी कि वराइजम ठीक है ना ये अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि अप्लाई किए गए हैं बुली बाई और सुली डील्स वाले केस में आपने देखा होगा अभी रिसेंटली तो ये आप याद रख सकते हैं कुछ सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और पनिशमेंट के जो प्रोविजन है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए ठीक है सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक लेर वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग लविंगस कीप शेयरिंग थैंक यू एंड एव ए नाइस डे